Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। हुन खड़े मेरा मुंह की देख दियो, चलो आ तू। मम्मी जी रुक जाओ, सानू सांगी तो चंगी। आज कोई तमाशा ना करी सरगुन, शायद मेरी किस्मत आही सब है। रुको आंटी जी, ओ दीदी हद होगी, तेरा की होगा? ये सोच सोच के मेरा कालजा बैठी जांदा है। की हो गया, ऐसी केड़ी अग लग गई? जे तू सुनेगी ना तो तेरे जरूर लगू अग। मैनू लगता सी कि शायद तो थोड़ा लागत टेढ़ किस्म दा होएगा, तेरी संगत जोगिंदर ते गगन भी सुधर जाएंगे, पर नहीं, मन लगता है कि गगन दा असर तेरे ते हुंदा जा रहा है। तू भी ओदे वांगो शिकायतां लेके आन लग पिया। ओ दीदी तू चुल्हे च लगी रहनी है, उधर आशा एक तो एक मात दे ही जांदी है तेनू। ओदे घरे मुंडे वाले आ चुके ने, तू कहंदी सी ना भी सही टाइम आने का इंतजार करो, मैनू लगता वो टाइम हुण आ चुके है। 24 घंटे भी नहीं होया जे तां दे दिखाई नू कि अज ब्याह दी डेट पक्की करन भी आ गए मुंडे वाले। ओ खबर तां पक्की है ना, मैनू गगन ने दस्या। की कर रहे हो दीदी? आज की तारीख तो याद रखी बस, अज तो मेरी आशा ते ओदिया ती है ना सीधी जंग शुरू होगी। हुण ओदी जिंदगी दी कहानी विच एहो जिहा खतरनाक मोड़ आने वाला ना कि वो सोचेगी कि उन्हें मेरे नाल दुश्मनी तो ले ली। नहीं पुत्र, जान दे उन्हां नूं, उन्हां नूं ये रिश्ता मंजूर नहीं है ते सानू उन्हां दी नां नूं सिर मत्थे ते रखना चाहिए। जिवें असीं अपनी हां दी कदर करदे पए आ ना, उदां ही सानू उन्हां दी नां दी भी कदर करनी चाहिए है पुत्र। बिल्कुल, मम्मी मैं भी इन्हां नूं यही कहना चाहुंदी हाँ। आंटी जी, मैं थोड़ी तारीफ करना चाहुंदी हाँ कि तुसी आप पुट्ठे सीधे लव मैरिज के रिवाजां नूं सिरे तो निकारते हो। वैसे थोड़े वर्गी हिम्मत तां साडे मम्मी जी दे अंदर भी नहीं है। ते आंटी जी, तुसी एक गल बहुत सही कही कि साड़ी आजकल दी जनरेशन ना पागल हो चुकी है, वो तो ये बिल्कुल नहीं समझती कि माँ प्यो की इजाजत तो बिना ना वेड़े च एक फुल तक नहीं खिड़दा, तो ये तो फिर व्याह वर्गी वड्डी गल है। शुक्र है रब दा कि इस दौर च भी तेरे वर्गी सोच रखने वाली कुड़ी है कोई। चलो घट्टो घट इस घर च एक कुड़ी तो समझदार है जिन्हों मेरी गल समझ आई है। तू अपनी बड़ी भैन भी समझा कुछ। ते तुसी भी कुछ सीखो इस तो। ते अपनी बिरादरी विच कोई मुंडा लब्बो ते व्याह कर लो। मैं तो अपने मुंडे नूं समझा समझा के थक गई हूं कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। आंटी जी तुसी खड़े क्यों, आ जाओ आ जाओ इत्थे बैठ जाओ आ जाओ। अब अंकल जी आ जाओ तुसी भी बैठो। आंटी जी मैं थानू की दसा, मैं तो सानवी दीदी नू बहुत समझाया सी पर इन्हां ने मेरी गल ही नहीं मन्नी। इन्हां ने मैनू कहा कि प्यार कीता है, कोई गुना थोड़ी ना किता है।
तुसी दसो अंकल जी, इदा थोड़ी ना हुंदा है। ए अपनी भैन का घर वसाना चाहती है कि उजाड़ना चाहती है? आंटी जी, मैं थोनू की दसा, मैं सानवी दीदी नू कुछ नहीं कह सकती सी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गई सी। डर गई सी? क्यों? सरगुन, तू ऐसा सब की बोल रही? दीदी एक मिनट, आंटी जी मैं ना थोनू एक गल दसना चाहनी हां। ओ मेरी ना एक बेस्ट फ्रेंड सी की, ओ भी ना प्रोफेसर जी की तरह किसी होर नू इदां ही प्यार करदी सी, पर उन्ने तां अपने घरदिआं नू ना मुंडे बारे दस्सिआ सी, पर उहदे घरदे मन्ने नहीं तां उहनां ने ना भज के विआह करवा लिता। मैं थोड़ी हाँ बिल्कुल इदां ही, ओ मुंडा भी ना अपनी मां कोलों इदां ही डरदा सी। होनी है प्यार व्यार च इन्नी ज्यादा ताकत? ओह आंटी जी, तुसी मेरी पूरी गल तो सुनो, जब व्याह तो बाद उन्हां दे रिश्तेदारां ने ते मां प्यो ने उन्हां नू अड करन दी कोशिश कीती ना, तां उस तो बाद ना उहदे मां प्यो नू जेल हो गई सी। जी आंटी जी, मैं सच कह रही हूँ, सो लगे, क्योंकि कानून के मुताबिक द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एक सिविल कानून है जेड़ा कि दो अजिहे बंदियां नू ना इजाजत दिंदा है कि वो किसी भी जाति धर्म तो बाहर जाके ना अपनी मर्जी नाल ब्याह करवा सकता है, ते जे कोई इस कानून का पालन नहीं करता ना तो उन्हां नू सजा दिती जांदी है, वो भी तकड़ी सजा। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਿਰਫ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਹਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। Z5 ऐप डाउनलोड करो ते वेखो सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री।